हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पत्रकार की याचिका पर सुनवाई के लिए आज सहमत हो गया। जी हाँ, पूरा विस्तार से जानने के लिए इस बारे में वीडियो को आप ज़रूर से एंड तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले आप वीडियो को देखते देखते ज़रूर से एक लाइक कर देना, और ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का घंटी ज़रूर दबा के रख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पत्रकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति VR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने पत्रकार साकेत गोखले की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और इस याचिका को CAA को चुनौती देने वाली 160 अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इन याचिकाओं पर इसी माह सुनवाई होनी है। अदालत ने 22 जनवरी को 143 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि CAA के क्रियावर्तन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, और अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह में याचिकाओं पर जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि त्रिपुरा और असम से संबंधित याचिका तथा नियम तैयार हुए बगैर ही CAA को लागू कर रहे उत्तर प्रदेश से संबंधित मामले पर अलग से विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि CAA को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के तरीके के बारे में निर्णय करने के लिए अदालत कुछ याचिकाओं को चैम्बर में सुनेगा, और इसके 4 सप्ताह बाद अदालत रोज़ाना सुनवाई कर सकती है। CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, तृणमूल सांसद महुआ मैत्रा, राजद नेता मनोज झा, AIMIM के नेता असादुद्दीन अवैसी शामिल है। AIUML ने अपनी याचिका में कहा था कि CAA समता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसका मकसद धर्म के आधार पर एक वर्ग को अलग रखते हुए अन्य गैरकानूनी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना है।